राहुल, न्यूज़ देखी तूने? रुद्राक्ष का क्या बैंड बज रहा, मजा आ गया। एक के बाद एक करारा थप्पड़ पड़ रहा है उसे। और आहूजा, उसने उसका ऑनलाइन कॉन्सर्ट भी कैंसिल कर दिया। यस यस, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे तो यही होगा ना, होल सेल में गालियां पड़ रही हैं उसे। गालियां माई फुट, लोग उसे पहले से ज्यादा सर पर उठाने वाले हैं अभी, पता है? क्या बोल रहे तुम? ये कैसे हो सकता है? ऐसे क्या है? रुद्राक्ष की वाइफ और तुम्हारी एक्स फियांसे, जिसे पाने के लिए तुमने मुझसे हाथ मिलाया था, वो है ये। उसने रुद्राक्ष की जगह तुम्हारा बैंड बजा दिया है। रुद्राक्ष के फेवर में स्टेटमेंट दिया उसने। ये सब जितनी भी नेगेटिव बातें रुद्राक्ष के लिए हो रही हैं, ये सब सही नहीं है। ये बात सच है कि उसने 10th क्लास भी पास नहीं की, पर उस वक्त कुछ मुश्किलें थी। वो चाहता तो ये बात आप सबसे छुपा सकता था, लेकिन उसने नहीं छुपाई। अपना करियर, अपनी इज्जत सब दांव पर लगा दी, सिर्फ अपने बेटे सारांश के लिए, ताकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल पाए, उसे अच्छा फ्यूचर मिल पाए। रुद्राक्ष खुद भी आगे पढ़ना चाहता है, और ये बहुत हिम्मत का काम है। ये हिम्मत सब में नहीं होती, स्पेशली रुद्राक्ष जैसे सेलिब्रिटी में, क्योंकि वो जानता था कि सारी मीडिया, आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर भी उसने ये किया सिर्फ अपने बेटे सारांश के लिए। सारांश उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा होगा, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड आई होप ये सच जानने के बाद आप सब भी उस पर बहुत प्राउड फील करेंगे, एंड उसे पहले जैसा ही प्यार देंगे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। थैंक यू। बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी कराने वाले थे ना तुम मीडिया को पैसे दे देकर, प्रीजा के एक स्टेटमेंट से वो सारी नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव पब्लिसिटी में बदल गई है, वो भी फ्री की। थैंक यू। करोड़ों का फायदा कराने वाले थे ना तुम मुझे, हा? ये ऐसे कराओगे? एक औरत से हार गया, मैंने तुम्हें हायर तो कर लिया, पर अब मुझे अपने डिसीजन पर शक हो रहा है। पता नहीं मैंने सही किया है गलत। पागल औरत है यार तू, कितनी बड़ी पागल औरत है तू। मैं यहाँ पे एक के बाद एक कोशिश किए जा रहा हूँ कि तुझे वापस पा सकूं, और तू मेरी दुश्मन बन रही है। रुद्राक्ष के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रही है, मेरे खिलाफ जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर, सानिया मैम की डिटेल्स ले ली हैं और नीरजा मैम भी मच बेटर है। गुड। नीरजा मैम को बेबी की मोमेंट फील हो रहे हैं? जी ओके। मैं ये मेडिसिन है, ये ग्रीन वाली नीरजा मैम को देना, ये रेड वाली सानिया मैम को। सानिया मैम को बोलना कि टैबलेट लेने के बाद थोड़ी ब्लीडिंग होगी, वो नॉर्मल। ओके। हेलो, कितनी बार कहा है मैं हॉस्पिटल में हूँ, फोन मत किया कीजिए। क्या हुआ? मैम वो मेरे हस्बैंड थे, हमेशा हम दोनों की लड़ाई होती रहती है, कल रात को भी हम दोनों का झगड़ा हुआ। इट्स ओके, बात करो और झगड़ा खत्म कर लो। मैं मिसेस जेना को चेक कर लेती हूँ। क्या बोला था मैम ने? ग्रीन वाली नीरजा को और रेड वाली सानिया को। हस्बैंड भी ना। हेलो, देखो क्यों परेशान कर रहे हो, मैं यहाँ पर काम पे हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब एक सेकंड। यस प्लीज। देखो मैं बाद में बात करती हूँ पेशेंट के साथ हूँ। ओके, वो मुझे दवाई देने बोला था। अच्छा एक सेकंड ना। हेलो, देखो मैं पेशेंट के साथ में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो बार बार कॉल करके। ओके प्लीज समझो। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है। कोई बात नहीं, चलो झगड़ा खत्म करते हैं, मैं भी सॉरी बोलती हूँ। चलो मैं रखती हूँ, अभी मैम आ गए, बाय। सानिया को मेडिसिन दे दी? जी, दोनों को दे दिए। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। बाय। नीरजा क्या हुआ, बेटर फील कर रही हो? मच बेटर, थैंक्स टू यू। वेलकम। मेडिसिन टाइम पर ले लेना। ओके ओके बाय बाय। 3020। नीरजा
घर जाना है, मैं ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड आ रहे मुझे पिक करने के लिए, उन्हीं का वेट कर रही। एक बार कंफर्म कर लो, लेट हो रहा है तो मैं ड्रॉप कर दूंगी। नहीं प्रीशा, वो लो आ गए। सॉरी मैं लेट हो गया, तुम ठीक हो ना? बच्चा तुम सब ठीक है ना? बच्चा और नीरजा दोनों ठीक है। डॉक्टर प्रीशा राइट? हाँ ये है प्रीशा, मेरी डॉक्टर भी और मेरी फ्रेंड भी। और डॉक्टर प्रीशा ये है मेरे लेट लतीफ पति राहुल। हाय। अच्छा आप आज मिल गए, नहीं तो मैं पुलिस वारंट लेके आने वाला था आपके पास। राहुल, अरे मेरी बीवी को आपने मुझसे छीन ही लिया है, मेरा कोई कहना ही नहीं मानती है। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब योगा करना है, कब वॉक करना है, कब जागना है, कब सोना है, सब आपकी मर्जी से होता है। मेरे घर पे, मेरी बीवी पे, सब पे आप ही की हुकूमत चल रही है, तो बताइए पुलिस वारंट ने लेके आए तो क्या करें? एक सेकंड के लिए मुझे लगा ऐसी क्या बात हो गई। बस सीरियसली नीरज आप पर बहुत टच करती है, बल्कि मैडम ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इनकी डिलीवरी कराएंगी तो आप ही। बिल्कुल, थैंक यू। एज अ डॉक्टर बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरे पेशेंट्स मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। पर ट्रस्ट के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है डॉक्टर प्रीशा। आई होप आप नीरजा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। राहुल प्लीज, कैसे बातें कर रहे हो? प्रीशा इज द बेस्ट एंड आई एम श्योर प्रीशा के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। आई विल ट्राई माय बेस्ट, बस तुम मेरी एडवाइस फॉलो करती रहना और मेडिसिन टाइम पर लेती रहना। ओके बिल्कुल, सी यू नेक्स्ट वीक। Nice meeting. Same here. Bye. Bye. ये क्या नया सस्पेंस है बे? राहुल के वाइफ की डॉक्टर प्रीशा। दुनिया कितनी छोटी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, इसी को देख लो। तो अगर साले को पता है कि उसकी वाइफ की डॉक्टर प्रीशा, इसने बताया क्यों नहीं मुझे, छुपाए क्यों? मैंने तो उससे बताया था कि रुद्र ने प्रीशा को छीन लिया मुझसे, डबल गेम तो नहीं खेल रहा। साला अगर डबल गेम खेलेगा ना, इसका गेम से ही आउट कर दूंगा मैं। चलो पूछते हैं आखिर चक्कर क्या है। पता है राहुल, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन डॉक्टर प्रीशा ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। और फिर मैंने बेबी की हार्ट बीट सुनी, तब जाके मेरी जान में जान आ गई। दिस डॉक्टर प्रीशा इज अ वेरी गुड डॉक्टर। वी आर वेरी लकी कि इतनी अच्छी डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रही है। बिल्कुल, अब मुझे यकीन हो गया है कि डॉक्टर प्रीशा के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता और ना हमारे बेबी को। ऑफ कोर्स कुछ नहीं हो सकता। सर आपसे कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन आ सकता है? अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बाहर ही तो जाना है, जाके देखकर आओ कौन है। अच्छा मेरा फोन दे दो प्लीज। मेडिसिन तुम्हें सुबह लेनी थी ना? हाँ वो पुरानी दवाइयाँ खत्म नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा वो खत्म कर दूँ फिर इसे स्टार्ट करूँ। ठीक है तुम आराम करो, मैं आता हूँ देखता हूँ कौन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर है मेरा, ऑफिस नहीं है, क्या करने आए यहाँ? जानता हूँ मैं तुम्हारा घर है, लेकिन कुछ बातें घर पे ही होती हैं, ऑफिस में नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, याद है ना, यही बात हुई थी हमारी। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला मुझसे? क्या क्या कहना क्या चाहते हो? कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला मैंने? तुम्हारी वाइफ की डॉक्टर प्रीशा है, मेरी प्रीशा, मेरी एक्स फियांस है। बता था ना मैं तुम्हें उसके बारे में जब पहली बार मिले थे हम लोग, याद है? तो फिर तुमने कुछ बोला क्या नहीं? देखो बॉस, अगर तुम्हारा ये प्लान है, स्टॉप दिस नॉनसेंस यार, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम अपने आप को। इन फालतू के कामों के लिए ना मेरे पास एनर्जी है ना टाइम है। बहुत पहले से डॉक्टर है प्रीशा मेरी वाइफ की, और उस वक्त मैं जानता भी नहीं था कि युवराज पिल्लई नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। ऑलराइट, इनफैक्ट तब तक रुद्र और प्रीशा की शादी भी नहीं हुई थी। अच्छी डॉक्टर है प्रीशा, मेरी वाइफ को उसका इलाज सूट करता है, कंफर्टेबल है मेरी वाइफ उसके साथ, और इसीलिए दोनों में दोस्ती भी हो गई धीरे धीरे। अब तुमने मुझे ज्वाइन किया और प्रीशा तुम्हारी एक्स फियांसे है,
तो मैं अपनी वाइफ का डॉक्टर चेंज कर दूं। सीरियसली, और रुद्र और प्रीशा की अगर शादी हो भी गई तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, जब तक कि वो इतने फेमस और लवेबल कपल ना बन गए हो। मोस्ट लवेबल कपल, सच्चे जीवन साथी और पता नहीं क्या क्या टैग्स मिल रहे हैं उनको। एटलीस्ट मीडिया में तो बन ही गए हैं, बट अपनी बिजनेस की दुश्मनी मैं अपनी बीवी पर नहीं डाल सकता हूं यार। प्रीशा पर विश्वास है नीरजा को, तो मैं उसे कैसे चेंज कर सकता हूं? बस अब यही होना बाकी था। क्या तुम यहां बैठकर मुझसे फिजूल की बकवास कर रहे हो और वहां रुद्र और प्रीशा चेतना के लाइव चैट शो में जा रहे हैं? चेतना के लाइव चैट शो में, वो तो बहुत बड़ा शो है, पर यू शो प्रीशा, प्रीशा रुद्र एक साथ जा रहे हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ। पता है ना कितना बड़ा शो है वो, कितने पॉपुलर हो जाएंगे वो अगर वो शो अटेंड कर लेंगे तो। और क्या कहा था तुमने, एक्स फियांसे है मेरी, मुझसे बहुत प्यार करती है, ये प्यार करती है तुमसे है? ऐसा तो नहीं कि वो बदल गई? रुद्र मिल गया तो तुम्हें मक्खी की तरह। बस बस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होना देना चाहते हो तो ये शो होने से रोको। जस्ट गो एंड डैम इट, डू समथिंग। प्रीशा 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 प्रीशा, लिमिट क्रॉस कर दिया तूने, तेरी रस्सी तो अब टाइट करनी पड़ेगी।